नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं। इस पूरे गणित में जितनी भी संख्याओं का समूह होता है सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, सम, विषम, भाज, अभाज, जो भी संख्याएं आप जानते हैं वह सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का द्वारा SCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 1 हल करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq प्लस r, जहां पर a भाजक, b भाज्य, q भागफल और r जो हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है वह कहलाता है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि r अर्थात शेषफल का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता, अर्थात ऋणात्मक में नहीं होता, और b अर्थात भाज्य जो संख्या है उससे अधिक नहीं होता। ये विशेष ध्यान रखना है, कभी हल करते हुए यदि r का मान हमें ज़्यादा या ऋणात्मक में प्राप्त आता है तो हमें इस ओर इशारा करता है कि वह हम त्रुटिपूर्ण हल कर रहे हैं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। अब हमें 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा SCF ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या जो होगी 135 और 225 में, सबसे छोटी संख्या है 135, बड़ी संख्या है 225। 135 से 225 में हम भाग लगाएंगे। 135 का एक बार भाग लगाएंगे 135 आएगा, यदि दो बार लगाते हैं तो 270 होता है, जो हमारे 225 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम एक बार ही भाग लगाएंगे और हमें 135 को 225 में से घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। इस क्रम में जब हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ये सवाल हल करते हैं तो जो हमें शेषफल प्राप्त होता है उससे पूर्व में हम जिसके द्वारा भाग दिया गया है उसका भाग लगा देते हैं, तो 90 हमें शेषफल प्राप्त हुआ। 135 के द्वारा हमने पूर्व में भाग लगाया था, अब उसे लिख लेंगे। अब हमने 90 से जब भाग लगाया तो 90 दूना 180 होगा, चूँकि ये भी ज़्यादा हो रहा है 135 से, इसलिए हम एक बार लेंगे। एक बार गया 90 एकम 90, 135 में से घटाया तो 45 बचा। अब 45 से भाग लगाएंगे 90 में, अब 90 में जब 45 से भाग लगाएंगे 45 दूना 90 होता है और 90 हमारा पूरा 45 दूनी 90 पूरा हमारा चला जाता है और हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम ये भाग कर लेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है हमारी, a बराबर bq प्लस r लगा दिया। यहाँ पर a का मान 225, b का मान 135, q मतलब जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ था भागफल 1 और शेषफल क्या 90, ये हमने पहली स्टेप लिख दी। इसी प्रकार अब दूसरे क्रम में यहाँ पर आ जाते हैं अपन। दूसरा हमारा a का मान 135 लिया हमने, 90 के द्वारा भाग लगाया, 1 हमारा प्राप्त हुआ भागफल और 45 हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगले क्रम में हम 90 लिया, 45 में भाग लगाया, 2 से भाग लगाया और शून्य हमें प्राप्त हो गया। कब तक किया, शून्य किसके द्वारा भाग लगाने पर प्राप्त हुआ हमें, शून्य हमें 45 में, 45 से जब 90 में भाग लगाया तो हमें शून्य प्राप्त हुआ, अतः हमारा जो SCF होगा वे हमारा 45 होगा। SCF का
जो यदि हम मीनिंग निकालें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक या मासा कहते हैं। इसी प्रकार से हमने ये पहला प्रश्न हल हुआ हमारा। इस प्रकार से आप दूसरा और तीसरा स्वयं हल करके देखेंगे। किसी भी समस्या आने पर मेरे मोबाइल नंबर पर 8269012144 पर संपर्क कर सकते हैं। गणित की कक्षा 10 की किसी भी समस्या के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जीवन में एक टारगेट रखें, जिसको अचीव करने के लिए अपने आप को पूरा झोंक दें। धन्यवाद।